आज के लेक्चर में हम देखेंगे सब नेटिंग इन CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग जो होती है, जो उसमें CIDR में सब नेटिंग किस तरह करते हैं आज देखते हैं। जैसे कि एक IP एड्रेस ये दे रखा है, तो इस IP एड्रेस में टोटल कितना 32 बिट्स था, तो 32 बिट्स में से ये नेटवर्क आईडी है, तो नेटवर्क आईडी है तो होस्ट आईडी कितना हो सकता है, होस्ट आईडी हो जाएगी 7 बिट का। ठीक है, 7 बिट का मतलब है 2 to the power 7, यानी कि 128 होस्ट हो सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो 128 होस्ट हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो जब इस वाले को पहले तो हम निकाल लेंगे कहां से कहां तक ये जाएगा, तो 20.1.5.8 का मतलब है 1, 2, 3, 4 और ये। ठीक है, तो 25 का मतलब है कि 25 ये इतने हैं नेटवर्क आईडी, ये है होस्ट आईडी, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 0000000। ठीक है, यहां से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, ये क्या है, ये यहां से यहां तक जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो सेम वही करेंगे, एक बिट फिक्स कर देंगे, तो 0 यहां फिक्स हो जाएगा, तो 1 वहां फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 0 वाले पोर्शन को फिक्स कर दिया, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क जाएगा 20.1.5.0 से लेके 20.1.5.63 तक। ठीक है, तो ये जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाला नेटवर्क। इस वाले नेटवर्क में 0 की जगह 1 फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो 1 फिक्स हो जाएगा, तो ये जाएगा 20.1.5.64 से लेके 20.1.5.64 से लेके 20.1.5.127 तक। ठीक है, तो ये 20.1.5.64 से लेके 20.1.5.127 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका वही है, यहां से बीच का कोई भी एक नंबर लेके, ये नेटवर्क आईडी होगी, ये ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ठीक है, यहां पर ये नेटवर्क आईडी होगी और ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ठीक है, या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। ठीक, अब इस केस में क्या होगा कि हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का तरीका है 12.1.5.0/। अब देखो, यहां 25 थी नेटवर्क बिट, यहां पर एक और फिक्स हो गई, तो टोटल 26 हो जाएंगी यहां नेटवर्क बिट, क्योंकि होस्ट आईडी होस्ट के लिए यूज होने वाली इतने ही बिट्स बचे हैं। ठीक है, तो जितने बिट्स हम होस्ट के लिए यूज करेंगे, जो फिक्स कर देंगे, वो इस वाले स्लैश के बाद नेटवर्क आईडी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो 20.1.5.64/26। ठीक, ये वाला नेटवर्क हो गया। ठीक, तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाए, अगर हम यहीं पर, अभी दो पार्ट में था, अब हम चाहते हैं इसको पूरे को चार पार्ट में डिवाइड करना। ठीक, तो जब चार पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तो फिर से वही होगा, एड्रेस 2.1.5.1234/25। ठीक है, तो अगर हम इसको लेंगे तो फिर से 25 बिट जो है नेटवर्क आईडी है,
ये यहाँ से जाएगा और 0000000 यहाँ से स्टार्ट होके लास्ट तक जाएगा जब तक सारे वंस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब हमें चार पार्ट में डिवाइड करना है, तो जब चार पार्ट में डिवाइड करना है तो कितनी बिट्स फिक्स करनी पड़ेंगी, 2 बिट, ठीक है। तो 2 बिट फिक्स कर देंगे, तो एक पोर्शन 00 वाला आ जाएगा, एक में 01 फिक्स हो जाएगा, एक में 10 फिक्स हो जाएगा, एक में 11 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब 00 फिक्स होगा तो ये जाएगा यहां से लेके 010, फिर यहां से कब कहां तक, यहां तक जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे 0, ठीक है, ये कॉमन ही रहेगा सब में, 2 बिट तो ये फिक्स है और एक पहले से फिक्स थी, तो टोटल 3 फिक्स हो जाएंगी, अब इसमें 3 नेटवर्क आईडी में चली जाएंगी। तो ये जाएगा पूरा 0 से लेके 31 तक, 0 होगा नेटवर्क आईडी, 31 होगा ब्रॉडकास्ट आईडी, मतलब इसका पहला नंबर होगा 20.1.5.0, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी बिट्स फिक्स हैं, स्लैश जो इसमें पहले से ही 25 फिक्स थी, दो और हो गई, तो टोटल 27 नेटवर्क आईडी हो गया। अब 01 फिक्स करेंगे, तो जब 01 फिक्स करेंगे तो भी ये कहां से कहां तक जाएगा, सारे 0 से लेके सारे 1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी कितनी, 32, ठीक, कहां तक जाएगा, 63 तक। तो ये जाएगा 32 से लेके 63 तक, और इसका आईपी होगा 20.1.5.32/, इसमें भी 3 बिट, दो, एक तो पहले से फिक्स थी नेटवर्क आईडी में, दो और चली जाएंगी नेटवर्क आईडी में, तो टोटल 27 बिट्स का नेटवर्क आईडी हो जाएगा, ठीक है। 10 के लिए देखेंगे तो अब देखो 01 की जगह 10 फिक्स कर देंगे, तो ये जाएगा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए ये 64 हो जाएगा, और ये जाएगा कहां तक, 95 तक। तो ये 64 से 95 तक जाएगा, और आईपी होगी इसकी 20.1.5.0 और 27, ठीक। ऐसे ही जो ये लास्ट वाला है इसके लिए 11 फिक्स होगा, तो 10 की जगह 11 आ जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू है 96, और जो ये है यह है 127, तो ये जाएगा 96 से लेके 127 तक, और इसका आईपी एड्रेस होगा 20.1.5.96/27, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पहले का 31 होगा, इसका 63 होगा, इसका 95 होगा, और इसका 127 होगा, जैसे कि हम लोग उसमें देखते थे। तो पहला एड्रेस नेटवर्क आईडी, लास्ट एड्रेस डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, और ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सबनेटिंग करते हैं CIDR में, ठीक है, और ये जितने भी बिट हम फिक्स करते हैं वो नेटवर्क आईडी में ऐड होते जाते हैं, सिर्फ होस्ट वाले बिट्स छोड़ के जितने बिट्स इसके लिए लगते हैं, इसके लिए कितने बिट्स लगेंगे, 32 चाहिए हमें, 32 के लिए सिर्फ 5 बिट चाहिए, 2 की पावर 5 32 होता है, तो बस 5 बिट रहेगा ना, रहना चाहिए होस्ट आईडी में, तो अपने आप बचे हुए 32-5 यानी कि 27 बिट्स अपने आप चले जाएंगे किसमें, नेटवर्क आईडी में, इसलिए इसमें /27 आया, ठीक है। तो इसमें तो समझ में आ जाना चाहिए शायद सबको, ठीक है। तो अब हम इसके, ये तो हो गया जब हमें फिक्स नंबर ऑफ उसमें डिवाइड करना है, अगर हम इसी में वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग करेंगे, मतलब हमें अलग अलग उसके ब्लॉक चाहिए होंगे,
तब कैसे होगा उसके लिए हम देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।